अभी हम आ गए थे खेत और अभी हो गया है हमारे पास घास। मम्मी ने अपनी जो गड्डी, मतलब गड्डी बोलते हैं हम घास की गड्डी, वो बांध ली है। अभी बांधने को है लेकिन हो गया मम्मी के पास घास। और मेरा वहाँ है परे, बहुत थकान हो रही है एकदम से। अब हम आए थे पूरे पूरे 4 बजे और अभी 5:02 हुए हैं और हमने 1 घंटे में सारा घास काट लिया है। चल वे तू बंदे आ, उस गली जहाँ कोई किसी को न जाने हो। चल वे तू बंदे आ, उस गली जहाँ को किसी को न जाने। पता नहीं तो गौरी को दे दिया है घास और अब आई बिजली की बारी। और यहाँ पर है जो माता जी, देखिए आलूओं को छील रहे हैं और साथ में चूल्हे पर डाली है हमने दाल और साथ में डाली है हमने पिछले पतीले में खीर। तो हमारे और हमारे आज भी श्राद्ध है, जो नानक पड़े का श्राद्ध बोलते हैं वो हमारे है आज, हम उसको कर रहे हैं। देखिए आज श्राद्ध में क्या क्या बन रहा है और आप भी हमारे साथ श्राद्ध खाने ज़रूर आइएगा। और यहाँ पर है ये खीर बनाई जा रही है, ये देखो अब खीर थोड़ी ही देर में पक जाएगी और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी। और अब उठा लिया हमने यहाँ पर अपनी दाल जो यहाँ पर पक चुकी है। अब हम जो आलूओं को तड़का लगा और यहाँ पर है माता जी आलूओं को कट कर रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने इतना छोटा सा ही श्राद्ध किया है, तो यहाँ पर हमारे सारे परिवार के लोग एक साथ नहीं हैं तो इसलिए हम आज छोटा सा ही श्राद्ध कर रहे हैं। अगर हम सारे परिवार के लोग एक साथ होते तो हम ये श्राद्ध बड़ा भी कर देते।
तो वो सभी लोग अपने अपने काम से कहीं बाहर गए हैं और घर में फिलहाल हम ही हैं, तो इसलिए हमें ये शॉट छोटा ही करना पड़ा। और हमारे यहाँ पर खीर जो है, अब देखिए ये पक चुकी है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए धीमी, बिल्कुल धीमी सी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये अभी देखिए पक चुकी है वैसे। और आगे जो है हम, अब हम आलूओं के लिए तड़का। फ्रेंड्स, और यहाँ देखिए हम काट रहे हैं आलू, और मम्मी काट रहे हैं आलू, और यहाँ प्याज काट दिया है। तो यहाँ इसमें तेल डालती है सूखा धनिया, और ये है मेथी, और अब डालेंगे, और ये डाल दिया प्याज और लहसुन दोनों। और अब डाल दी मिर्च, लाल मिर्च, और ये डाल दी हल्दी, और ये डाल दिया नमक, और ये डाल दिए आलू, और ये डाल दिया यहाँ पे पानी, तुझे तो बस खीर से ही मतलब है और तो नहीं है ना। माता रुको, माता पढ़ जाओ एक मिनट। और यहाँ पर है जो पानी भर गया है, और यहाँ पे टाइलों के अंदर भी पानी घुस गया, तो ये दीक्षित जी वाइपर की सहायता से पानी को बाहर के लिए निकाल रहा है, और हमारा दोनों काम हो रहे हैं, और हमारी टाइलों भी अच्छे से साफ हो रही है, और ये पानी भी बाहर निकल जाएगा। अगर हम पानी को ऐसे जोर जोर से एकदम से निकाल देंगे तो ये टाइलें हमारी सिर्फ 2 मिनट या 4 मिनट में एकदम से सूख जाएगी। देखिए, और यहाँ पर जो पानी जो है बाल्टी में अच्छे से भर लिया है, और इसमें एक इन्होंने गुलाब का फूल भी डाल दिया है, क्योंकि अब ये पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं। आप सभी को, हमारे YouTube फैमिली को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये डाल रहे हैं माता जी, जो इन्होंने घोटा बनाया है उसको तड़के में डाल रहे हैं। और हमारा तड़का यहाँ से अच्छे से भून चुका है। अब डाल रहे हैं हम इसमें दाल। अब माता जी साथ में डाल रहे हैं 1 चम्मच हल्दी, अब ये डाल दी माता जी ने हमारी मिक्स दाल, अब हम इस दाल में नमक हमने शुरू में ऐड कर लिया था जब हमने दाल को उबलने के लिए छोड़ा था, अब हमने इसमें हरे पीको है ऐड कर लिया। अब हम इसको
15 से 20 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा घना हो जाएगा। बट अब ये थोड़ी सी पतली है। और अब हमने इसमें ढक्कन छोड़ दिया है, अब हम इसको पकने के लिए छोड़। यहाँ पर जो है हमारी दाल बन चुकी है और साथ में बन गए हैं चावल, और अभी पतीले में बन गई हमारी खीर, और यहाँ पर बन गए हैं हमारे आलू, और अब हम हाथ में बना रहे हैं चपाती। जब अब हम थोड़ी सी चपातियाँ बना लेंगे, फिर हम आपको ये जो बनाया है हम उसको दिखाएंगे, क्योंकि अभी जो है ना कुकर का प्रेशर भी बिल्कुल बना है। जब तक ये ठंडा हो जाएगा तब तक हम थोड़ी सी चपातियाँ बना लेंगे। तो जब हम कभी भी रोटी बनाएं तो हमें सबसे पहले की जो सबसे फर्स्ट चपाती है वो हम अपनी गाय के लिए बनाते हैं, और हमें बनानी भी चाहिए। और ये जो हमारी फर्स्ट चपाती बन चुकी है, और हमें इसे चूल्हे में भी हमें सारी साइडों से घुमा घुमा कर इसे पकाना होता है। तो ये हमने अपनी गाय के लिए छोड़ दी। अब हम यहाँ पर चार के लिए थोड़ी सी चपाती यहाँ पर बना लेंगे।